अधिसूचना जारी हुई है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, ये सुनिश्चित है। वोटों का प्रतिशत ये बताता है, हमारी सीट है, हम जीतेंगे। मेरे ध्यान में ये विषय आया है और ये जो उन्होंने किया है, भाव उनका जो भी हो, पर तरीका गलत था। और मैं निर्देशित करूंगा कि इन पर मोटर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए, जिससे ये परंपरा आगे न बढ़े और ज्यादा विकसित न हो। आतंकी कहीं भी पकड़े जाएं, मध्य प्रदेश हमेशा इस बात पर अलर्ट मोड पर ही रहता है कि मध्य प्रदेश में आतंक की गतिविधि हो, नक्सलाइट गतिविधि हो, सिमी की गतिविधि हो, इस तरह की जो भी संगठित अपराध की गतिविधियां हैं, हम उन पर नजर रखें और कंट्रोल में रखें। मुंबई भेजना चाहिए सलमान और शाहरुख को भी टक्कर देंगे। शिवराज जी कार्रवाई कर रहे हैं, कलाकारी तो कमलनाथ जी ने की थी कि 2,00,000 रुपये 10 दिन में माफ हो जाएंगे, और एक का भी नहीं हुआ। ये थी कलाकारी जो राहुल बाबा कर गए थे। कलाकारी ये थी कि 4,000 रुपया महीना नौजवान को बेरोजगारी भत्ता हर महीने घर बैठे देंगे, और एक को भी नहीं दिया। ये होती है कलाकारी। जनता के बीच कभी जाए तो पता चले, घर पे बैठ के ट्विटर बाबा ट्विटर पर अगर काम करेंगे तो इन्हें क्या समझ में आएगा। ट्विटर पर राहुल जी ने भी ये कहा है कि वो कश्मीरी पंडित है। अच्छा, राहुल बाबा ने कभी ये कहा कि जो कश्मीरी पंडितों की संपत्ति पर जिनने कब्जा किया था वो वापस दिला देंगे? नहीं, ये ऐसे ही पंडित है। धन्यवाद है वो तो मोदी जी का कि राहुल बाबा वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ममता बनर्जी दुर्गा का मंत्र पढ़ रही है, और मायावती की मंच से स्वस्ति वाचन हो रहा है। ये परिवर्तन है मोदी जी के आने के बाद देश का। देखो आप, कोरोना में के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में बनी हुई है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 8 मामले पिछले 24 घंटों में आए, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले लोगों की संख्या 13 है। संक्रमण दर हमारी 0.01% की बनी हुई है, जबकि ठीक होने की दर स्थिर हमारी है 98.6%। 134 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के कुल बचे हैं। कल सैंपल लेने की संख्या हमारी 64,932 थी। कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है और पोस्टर साइज बताया है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण बहुत ज्यादा है। तो पोस्टर कहाँ का है कांग्रेस, यही तो बता दे। विदेशी पोस्टर है वो। दरअसल मध्य प्रदेश को बदनाम करने का कोई अवसर छोड़ते नहीं है। महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी ही थे, जो कोरोना का वारियंट आया था उसे इंडियन वारियंट कहने वाले कमलनाथ जी ही थे। पाकिस्तान के पुल में दरार थी उसको हिंदुस्तान में भोपाल का पुल बताने वाले दिग्विजय सिंह ही थे। मुर्दों से बातचीत सुनने वाले हमारे कमलनाथ जी ही थे, जो कब्रिस्तान में मुर्दों की बातचीत जिनने कोरोना काल में सुन ली थी। ऐसे ही ये फोटो भी, विदेश का फोटो उन्होंने अपने ट्वीट पे लगाया है। ये मध्य प्रदेश को बदनाम करने की जो कुत्सित कोशिश कांग्रेस कर रही है, ये निंदनीय है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।